मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री ने हिमाचल को लेकर जिस तरह के बयान दिए वह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी के आधार पर बयान दिए हैं, उनके साथ गलत जानकारी साझा की गई है। देखिए, हरियाणा का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव, दोनों जगह जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप कहें कि हिमाचल को लेके जो बयान दिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलत जानकारी उसका आधार थी। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर्स हैं भाजपा के, मुझे लगता है कि सही जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं दी और हमारे प्रदेश को लेके गलत प्रचार चुनाव के दौरान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी जब जिस चीज़ को जिक्र करते हैं पूरा देश उसको देखता है और हमें दुख इस बात का है कि उनके पास जो फैक्ट्स नहीं थे, जानकारी उनके साथ गलत ढंग से शेयर की। जिस प्रकार से आप ये समझें कि वोट की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का जिक्र किया गया या हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया, दोनों तरह से ये सही नहीं था। मैं समझता हूं कि गारंटियां जो हमने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों के लिए रखी थी, 10 गारंटियों की बात हुई थी और 5 साल के लिए लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मौका दिया और उनमें से 5 गारंटियां पहले 2 वर्षों में पूरी हो चुकी। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि थी, चाहे ओपीएस को लेके हिमाचल प्रदेश में गलत ढंग से हरियाणा में प्रचार हुआ ओपीएस का, जबकि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना जिसने ओपीएस को लागू किया, 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाया, आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि उसका गलत ढंग से जो है प्रचार हिमाचल प्रदेश का हरियाणा के अंदर चुनाव के लिए किया गया। हम ओपीएस देने वाले पहली गारंटी पहली कैबिनेट में जो है हमारी सरकार ने जारी की, उसके अलावा हमने दूसरी गारंटी में रखा था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जो हमारे स्कूल है उसमें मीडियम इंग्लिश जो है पहली कक्षा से शुरू करेंगे और उसके लिए हमने पहले कुछ सोचा था कि एक विधानसभा क्षेत्र में जो है 5 स्कूलों को लागू करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी स्कूल थे हिमाचल प्रदेश में सब में ये पहले वर्ष में ही लागू कर दिया। और आप समझे कि महिला सम्मान निधि जो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि की योजना 1,500 रुपया महीने के हिसाब से महिलाओं को हमने जो देना था वो योजना हमने शुरू की, उसमें तकरीबन 2.5 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनको 1,100 रुपया पहले मिलता था उसको 1,500 रुपया मिलना शुरू हुआ और उसके अलावा 50,000 के करीब और महिलाओं को 1,500 रुपये के हिसाब से ये गारंटी योजना शुरू की गई और राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को शुरू किया जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है कि किस तरह रोजगार करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अप्लाई किया है, उनको सब्सिडी दे रहे हैं या साथ में एनवायरनमेंट भी बचेगा। कहने का मतलब है हमारे 2 साल के कार्यकाल में 5 गारंटियों को पूरे करने वाली ये सरकार बनी और जहां तक हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चाएं की गई चुनाव में वो एक गलत प्रचार था। जब हमारी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लाइबिलिटीज पिछली सरकार जो भाजपा की थी छोड़ के गई, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात तय की कि हमें ऐसे फैसले लेने हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है और उनका परिणाम भी सामने आया। पहले वर्ष में हमने 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया। ये वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।